2017 में कब्रिस्तान और शमशान किया और 2022 के पहले अब्बा जान कहकर चिल्ला रहे हैं योगी जी। क्यों योगी जी? कि क्या आप अपनी गंदी ओछी सस्ती घटिया राजनीति से माँ बाप को बख्शेंगे? 2017 में कब्रिस्तान और शमशान किया और 2022 के पहले अब्बा जान कहकर चिल्ला रहे हैं योगी जी। मैं सर्वप्रथम तो आपसे ये पूछना चाहती हूं योगी जी कि आप लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री हैं, कुछ नहीं तो अपने पद की तो थोड़ी गरिमा रखिए। दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूं योगी जी कि क्या आप अपनी गंदी ओछी सस्ती घटिया राजनीति से मां बाप को बख्शेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में पिता का संबोधन भी एक गाली हो गया है? और आप क्यों, या तीसरी बात आपसे पूछती हूं, अगर आपने वाकई में काम किया होता, 4.5 साल बाद आपको आकर किराए के विज्ञापन, किराए की तस्वीरें कलकत्ता से और अमेरिका से लेके विज्ञापन ना बनाने पड़ते, सड़कों में कलकत्ता के फ्लाईओवर ना दिखाने पड़ते, अगर आपने वाकई काम किया होता तो आज दमखम के साथ आप अपने काम के बल पर वोट मांगते, पर वो आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपके राज में आपकी नाक के नीचे जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो सर्वविदित है, वो दुनिया ने देखा है। उत्तर प्रदेश रेप कैपिटल बन गया है। उत्तर प्रदेश में औरतों के साथ अपराध के बाद आपके सलाहकार, आपके मंत्री, आपके प्रवक्ता, आपके अधिकारी कहते हैं रेप हुआ ही नहीं। ये बार बार, ये हाथरस में होता है, शाहजहांपुर में होता है, हरदोई में होता है, उन्नाव में होता है, लखीमपुर में होता है। आपके राज में तो गंगा के तट वाकई में कब्रिस्तान बन गए और उन गड़े हुए शवों से जब आपने राम नामी खसोटी ना तो अपने महंत होने पर भी आपने सवाल उठा दिया। और जानना चाहते योगी जी क्या हुआ? जब बेरोजगारों ने सड़कों पर उतरकर रोजगार मांगा तो आपने उन बेरोजगारों को धमकाते हुए ट्वीट्स किए, आपने लड़कियों को पिटवाया डंडों से। जब किसानों ने अपना हक मांगा तो उनके पीछे आपने पुलिस छोड़ दी, वही किसान जो 9 महीने से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। योगी जी, जमीन आपके पैरों के तरे खिसक चुकी है, विदाई का वक्त आ गया है। अपनी बची खुची इज्जत को समेटिए, जो कर रहे हैं आप वो मत करिए।